जय माता दी। आज है मेरा 9वां दिन और रात को हम इसी गुरुद्वारे में रुक गए थे। पीछे हॉल में हम लोग सोने की जगह मिल गई थी और अभी टाइम हो चुका है यहाँ से निकलने का, तकरीबन अभी 7 बज चुके हैं। कल के टाइम पे अभी निकल रहे हैं यहाँ से और हमने चाय नाश्ता ये सब कर लिया है गुरुद्वारे में और बस अभी यहाँ से निकलने का समय आ गया। साइकिल निकालते हैं और अपना चलते हैं। एक बार व्यू दिखाता हूँ, उसके बाद यात्रा को प्रारंभ करते हैं। चलिए, कितना सुंदर लग रहा है ना गाइस, लाइक कर दीजिएगा इस बात पे। आप लोग कमेंट में ये बताओ, सूर्य उदय जल्दी हो जा रहा है या मैं उठने में लेट हो जा रहा हूँ? अरे यार देखो, कल के टाइमिंग पे हूँ और ऐसी धूप हो गई कि फिर से इच्छा मर गई। लेकिन कोई नहीं, आज तो पहुँचूँगा। अभी NH 44 पे चल रहे हैं। दसुईया यहाँ से बता रहा है 44 किलोमीटर। दिखाता हूँ आपको एक मिनट, तो दसुईया यहाँ से 44 किलोमीटर है। तो बस चलो देखते हैं, आज पार करना है कि आज वहीं से लेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। अगर आप लोग भी इस रूट पर साइकिलिंग करने वाले हैं तो बहुत ही सोच समझ कर करिएगा इस रूट पे साइकिलिंग। ये NH 44 ही है जी हाँ, जो आपका जलंधर से पठानकोट के लिए निकल रहा है NH 44। बट इस रूट पे साइकिलिंग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने किया है अभी, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। जलंधर से पहले लुधियाना में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी NH 44 पे, बट यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत का सामना कर सकते हैं। बट कोई नहीं, हम तो अपना संभल के चल ही रहे हैं धीरे धीरे। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिएगा कभी अगर आप साइकिलिंग करने आएंगे तो। बाकी कमेंट में जय माता दी लिख दो। अभी हम आ गए हैं चोलांग। चोलांग का रेलवे स्टेशन मेरे बिल्कुल पास में है। यहाँ से टोल प्लाजा 500 मीटर की दूरी पर है और साइकिल अभी मैंने ऐसे खड़ी करी है। थक गए हैं बहुत लगातार, कंटिन्यू मैंने 23 किलोमीटर साइकिलिंग करी है। अभी 7-8 आवर करेंगे फिर कुछ देर कहेंगे स्टॉप ही लेंगे अच्छा वाला। ठीक है, तो यहाँ देख लो साइकिल है और यहाँ पर कुछ काम कर रहा हूँ फ़ोन से, तो लोकेशन ही देख रहा था एक तरह से मानिए। चलो इधर बैठते हैं, सुबह आगे बढ़ते हैं, है ना भाइयों। अभी धूप बहुत ज़्यादा हो गई थी तो अभी तकरीबन 10:30 बज रहे हैं, तो अभी मैंने साइकिल यहाँ पे खड़ी करी है और मस्त यहाँ पे कहीं छाँव है तो यहीं पे मैंने साइकिल खड़ी कर दी और चित्तर पर छा के एक अपना गद्दा निकाल के मैं लेट गया कुछ देर के लिए, क्योंकि कमर सीधी हो जाती है तो ठीक रहता है। तो बैठे बैठे साइकिल चलानी ही चलानी है। अभी 10:30 बज रहे हैं, कब तक यहाँ बैठेंगे अभी मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी जस्ट मैं 10 मिनट पहले बैठा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी आधा घंटा यहाँ बैठूँ, कि बस लगातार 25-30 किलोमीटर साइकिलिंग हो गई आज कंटिन्यू, तो अभी बैठते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो जैसा होगा आपको बताएंगे। ठीक है, अभी क्योंकि खाना भी खाना है, अभी सोच रहे हैं खाना खा लेते हैं, भूख लग रही है थोड़ी सी। ठीक है, तो बस जैसा भी होगा बताते हैं। ठीक है, आपको तभी अभी बैठे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। और आप अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर तो करते रहिएगा। ठीक है, वंदे भारत भाई, पूरी सफ़ेद माता वैष्णो देवी कटरा, ये 2 बजे कटरा पहुँच जाएगी। ये है आज का भोजन, रोटी है, सब्जी है, नमकीन रोटी है और हमारे साथ में यस भाई है। यस भाई आए कर दो, जय माता दी बोल दो। भूख लगी है बहुत तेज, पहले खाना ख़त्म करते हैं फिर बात करते हैं। रोटी खा लिए हैं, भूख और लगी बड़ी है तो बिस्किट खा के अब दिन बिताना पड़ रहा है। चलो बिस्किट खाते हैं, भूख लगी पड़ी है यार। ये है ट्रैवलर लाइफ, देख लो आप लोग। पूरा प्लान चौपट कर दिया इस गाड़ी ने, हमको लगा पैसेंजर गाड़ी है पर निकली माल गाड़ी, क्या करें। चलो अब आगे बढ़ते हैं, सामान सारा पैक हो रहा है अपना, अब आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ से। आज पहली बार ऐसी किस्मत ख़राब हुई है, पानी भी नहीं है और ये सबसे बड़ा नुकसान पंचर है कि हवा गई ये नहीं पता, लेकिन देखो क्या होता। चलो साइड में रोक के पहले हवा भरने की कोशिश करते हैं। भाई आज पहली बार पंचर हुआ है ये, ठीक है, और पंचर हुआ है कि हवा निकली है, ट्राई कर रहे हैं हवा भरते हैं। छोटा सा पंप लेकर कैरी करता हूँ साथ में। चलो अब टायर निकल के आगे, साइकिल देख लो कैसी खड़ी हो गई है। अब सारा सामान यहाँ उतार के रख दिया मैंने। चलो पंचर बनाते हैं फटाफट, सारा सामान तैयार है, पंचर बनाते हैं फिर आगे निकलते हैं। पकड़ लिया बिना मैंने पानी के, ये रहा हो गया, देखो ये हुआ है पंचर, ये भाई छेद हो रहा है। चलो चिपकाते हैं फटाफट और फिर आगे बढ़ते हैं हवा भर के। चलो भाई फर्स्ट टाइम पंचर बना रहा हूँ भाई जीवन में अपने, यार ये रहा देख रहे हो छेद, ये भाई नटखट, अब तू गया बेटा, अब तू चिपकेगा देख। फाइनली हमने पंचर ठीक कर लिया है और धीरे धीरे अभी बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। मैं बहुत मेहनत लगा, हाथ पूरे काले हो गए, लेकिन पंचर कैसे भी हो ठीक कर लिया, मज़ा आ गया आज। दसुआ ना जाके रंधावा की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे पिछली बार हम पैदल यात्री करके गए थे तो वहाँ पे कुछ भैया से मुलाकात हुई थी, उन्हीं भैया की शॉप पर जा रहे हैं दोबारा। दसुआ यहाँ से 5 किलोमीटर है, उनकी शॉप भी यहाँ से 5 किलोमीटर है और वहाँ से फिर दसुआ 5 किलोमीटर है। चक्कर थोड़ा लंबा लगेगा लेकिन भैया से मुलाकात करनी है,
तो चलो चलते हैं कुछ ही सही का हाईवे NH 44 से भी हम अंदर हो रहे हैं, तो चलो चलते हैं। पिछली बार जहाँ पे हम पैदल यात्रा में रुके थे, अभी फिर से भैया की उनकी शॉप पे आए हुए हैं और फिर से भैया से मुलाकात हुई अच्छे से। कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया। बस भैया से मुलाकात हुई, फिर से मिलने के लिए आ गए क्योंकि रूट हमारा यही जाता है। अगर आप भी कहीं वैष्णो देवी जाएंगे तो इसी रूट से होके जाएंगे। बस भैया से मिलने आ गए, भैया की यहाँ पे रंधावा में बस कभी मिल के जाइए। एक और बात है, हमारी इनसे कोई जान पहचान नहीं थी, बस एक माता के भक्त है और हम भी भक्त हैं, इसलिए दूर से कहते दिल मिल गया, कितना प्यार हो गया हम बता नहीं सकते। बस ये सब माता रानी की कृपा है, बस माता रानी की कृपा। बस अभी इनसे फिर बातचीत करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी शाम के अभी 7:30 बजने वाले हैं और भाई पूरा अंधेरा हो चुका है। भैया ने हमको कुछ बर्गर दिया है, हम ये रस्ते में खा लेंगे। और साइकिल का एक पता है कहानी क्या है, आज सुबह आगे वाला टायर पंचर हुआ था दोपहर में और अभी शाम वाला टायर पंचर हो गया। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ क्यों हो रहा है पंचर दोनों टायर, वो भी एक दिन के अंदर में। यार इम्पॉसिबल, मैं यार बिलीव ही नहीं करता कि आज का दिन ऐसा जा रहा है मेरा। पता नहीं सुबह मैंने किसका मुँह देखा कि दिन मेरा बुरा जा रहा है। बस कोई नहीं, यहाँ से अभी 6 किलोमीटर पैदल चलना है, फिर जाके एक तालाब है पांडव तालाब, मंदिर है शिव जी का, वहीं पे स्टॉपेज लेंगे शायद। आज मिल गई परमिशन तो वहीं पे, वरना फिर 5 किलोमीटर दूर गुरुद्वारा है, एक 11 किलोमीटर पैदल ही चलना है साइकिल के बाद भी। चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यह HP का पेट्रोल पम्प और यहाँ लगाया हमने टेंट, साइकिल यहाँ पर कवर कर दिया। रात के अभी बज रहे हैं 9:20। भाई सुनसान रोड था, भाई दसुआ जाने वाला रोड था, इसलिए हमने आगे कदम नहीं बढ़ाए क्योंकि हमको डर लगने लग गया था। तो यहीं पे हमने टेंट वेंट लगा लिया अपना, यहीं पे सोते हैं। हमारे पास बर्गर है ना, पीछे माजा भी है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए। और आज वीडियो रात में सही में ख़त्म कर पा रहा हूँ, कल से नए दिन की शुरुआत करेंगे दसुए से ही। चलो मिलते हैं कल शाम को 5 बजे, याद से आ जाइएगा वीडियो देखने के लिए। ठीक है, मिलते हैं कल शाम को 5 बजे। बाय।